സുജൂതിയിലും മഞ്ഞാനി കണ്ണീരാണെൻ്റെ നിസ്കാര പായയിലും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പാപം പേറി നടന്നു ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ केरल से मक्का पैदल हज के लिए जा रहे शिहाब चित्तूर को पाकिस्तान सरकार ने बीते दिन अपने देश से गुजरने की इजाज़त देने से मना कर दिया था। यह बात को लेकर मजलिस अहरार इस्लाम के मुख्यालय में शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला करते हुए सबक सिखाया और कहा, अगर पाकिस्तान शिहाब को वीजा नहीं देना चाहता है तो वे इस्लाम से नाफरमानी कर रहा है। इस मामले में पूरे दुनिया में पाकिस्तान के विरोध बोला जा रहा है। इतना सब कुछ देखते हुए पाकिस्तान घबरा गया और शिहाब को वीजा देने के लिए अब तैयार हो गया है। कल रात देर तक इस प्रतिक्रिया में रहा पाकिस्तान, अब नमरा गया है। वीडियो पूरा देखें और जम जम न्यूज चैनल का सब्सक्राइब करें। सोलापुर से मैं नवाज आलम, वाघा बॉर्डर, पंजाब। शिहाब भाई के पास हैं, आज लुधियाना से चल के आए एक दफा फिर, और जो हमने परसों आप लोगों से बातें की थी, यकीनन बहुत सारे लोगों को फिक्र भी हो गई होगी, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल और नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला, आज मैंने इनसे जो अभी मालूमात हासिल की हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वन वीक में शाहब भाई अपना सफ़र दोबारा शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। और आप सब लोग दुआ भी करें, हम लोग अपने पड़ोसी मुल्क के लिए भी दुआ गो हैं, आगे भी जितने मुल्क इनके रास्ते में आएंगे उनके लिए भी दुआ गो हैं। और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमारे जुनैद खान साहब यहाँ जो इनके मेज़बान हैं, आफिया किड स्कूल के ऑनर जो हैं, इनके यहाँ हम लोग बैठे हैं इस वक्त स्कूल में। और शाहब भाई माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं और हौसला भी बिल्कुल बुलंद है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कुरान पाक में है इन्नमल उस्र, हर मुश्किल के बाद आसानी, हर मुश्किल के बाद आसानी। और मैं एक बात वैसे जनरली लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी इंसान, सिर्फ शाहब भाई नहीं, पूरी दुनिया में जितने इंसान, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कोई भी बंदा जब कोई नेकी का काम करता है, अच्छाई के लिए काम करता है, कोई सामाजिक काम करता है और कोई पब्लिक वेलफेयर का काम करता है, तो जब वो काम शुरू होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आती है। तो वो परेशानी इसलिए आती है भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को देखते हैं कि भाई ये टीका भी हुआ कि नहीं। इसलिए अगर ये थोड़ी बहुत परेशानी बीच में आई है तो मैं समझता हूँ कोई घबराने वाली बात नहीं, ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। अच्छे दिन भी अल्लाह की तरफ से हैं और जो दिन में परेशानी आए वो भी अल्लाह ही की तरफ से हैं। अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला इसको आसानी के अंदर तब्दील कर दे। एक बहुत मशहूर किस्सा मुझे याद आ रहा है, सुल्तान महमूद का ग़ुलाम था अयाज, तो उन्होंने एक संतरा सबको दिया खाने के लिए, एक एक पीस उसका, तो कई वज़ीरों ने खाया तो कड़वा था मौसमी, तो उन्होंने थूक दिया, तो अयाज जो है वो उसको खाता ही रहा चबा चबा के। तो बादशाह ने अयाज से पूछा कि अयाज ये बाकी लोगों ने इसको कड़वा होने की वजह से नहीं खाया और तुम इसको भी मज़े ले लेके चूस रहे हो, तो फरमाया हुजूर इन हाथों से हमेशा मीठी चीज़ें खाई हैं, अगर एक दिन कड़वी मिल गई तो क्या बात हो। तो ये भी शुक्र की बात है। जो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ आके खुशी भी हुई कि इनके मेज़बान जो हैं फराग दिल हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है मेज़बान सोचता भी मेहमान ज़्यादा देर ना हो, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि ये जो निज़ाम बनता है दुनिया का पहले से ही अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है। तो ये बनना था, यहाँ इनको आना था, फिर स्कूल में रहना बनना था, ये कमरा बनना था, तो शाहब भाई ने आके यहाँ पर कुछ दिन गुजारने थे, हमें इनसे मिलना था। तो ये आगे भी पता नहीं किन किन लोगों की किस्मत में अल्लाह ताला ने ये अजर जो है वो लिखा हुआ है। तो बेफिक्र रहें, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी सफ़र जो है वो अल्लाह की ज़ात से मुझे नेक उम्मीद है कि वो दोबारा शुरू होगा। आप सब लोग इनके लिए दुआ भी किया करें रोज़ाना, अपनी खसूसी दुआओं में याद रखा किया करें। मैं एक बात फिर दोहराता हूँ कि ये जो सफ़र है, शाहब भाई जो सफ़र कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन का मौजू इसलिए है, लोग तो सड़क पे आते हैं, जैसे हम भी बाज़ार जाते हैं कोई सब्ज़ी लेने, कोई शॉपिंग करने, तो ये जब सड़क पे चलते हैं तो अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल के घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब बैतुल्ला शरीफ की तरफ जा रहे हैं और मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए।